अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन मैटर मैजिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MGT 2 11 मिड टर्म की प्रिपरेशन करने लगे हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले एक मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने लगा हूँ, इस जिसमें कि मैंने आपको अटेंडेंस मार्क करना फ्यू मिनट्स में सिखाया है। ये मेरी वीडियो है मेरे चैनल पे, जो 4 या 5th नंबर पे वीडियो होगी, मैंने 3 दिन पहले अपलोड की है। तो इसमें जो है जो अटेंडेंस का इशू होता है वो मैंने सोल्व किया है। जिस जिस लेक्चर में या कोई प्रैक्टिकल बुक होती है उसमें अटेंडेंस का इशू होता है, तो अटेंडेंस का इशू तो वो क्विजीज की वजह से होता है, वो क्विजीज नहीं देंगे अटेंडेंस नहीं लगे। कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिनमें आपको वीडियो वॉच करनी होती है जिसके ऊपर ब्लू टिक आ जाता है वीडियो के ऊपर, तो फिर आपकी अटेंडेंस वो वाले लेक्चर कोर्स में भी हो जाती है। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको सब इससे आपकी क्यूरीज सॉल्व हो जाएगी। तो इस ये जो आपके साथ फाइल शेयर कर रहा हूँ जिससे मैं MCQs आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये फाइल भी आपको मिलेगी। इस वीडियो के सेंटर में जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये फाइल आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये आप फाइल जो है वो इजीली हासिल कर सकते हैं, ये मैं वीडियो के सेंटर में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड MCQs हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि बार बार मेरे दोस्तों भाइयों को आए हैं। अगर आपको इस बुक में से या कोई भी बुक जो कोर्स में आपको अच्छी नहीं लगती उसके बारे में कोई क्यूरीज है, कोई मिस्टेक आपसे कोई मसला आता है, या आपको कोई बुक जहर लगती है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और कैदी नंबर 804 को जो सपोर्ट करते हैं वो भी एक कमेंट छोटा सा 804 जरूर लिख के सेंड कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई और क्यूरीज है अकॉर्डिंग टू LMS या कोई लेक्चर्स या कोई क्विजेस, तो वो भी आप मुझसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर बायो में दिया हुआ है, इंस्टा है, किसी भी जगह पे आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी किसी भी किस्म की हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास MCQs आ जाता है, तो थिंक अबाउट बेनिफिटिंग द सोसाइटी एंड अवॉइड हार्मफुल एक्टिविटी फॉर द सोसाइटी इज कॉल्ड। तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास MCQs आ जाते हैं स्पेशल वैल्यूज, कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल बिहेवियर, ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन। तो इसमें हमारे पास बहुत सी ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एग्रीगेट आउटपुट, प्री कैपिटा, GDP। तो इसमें हमारे पास MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो सी आ जाता है। Which of the first stage in the formation of joint stock company? Promotion stage। और इसमें हमारे पास जो right option वो A ही आ जाता है। इसके बाद और हमारे पास important MCQs, when a person provide a has service to society on basic of his specialized knowledge and experience in term as employment, profession, NGO as All of given option। इसमें हमारे पास जो MCQs का आंसर है वो बी है। Those countries where people are earning US and 765 are now as middle income countries, high income countries, low income countries। तो सी वाला हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। Dash or the government tax is on import that rise the price of foreign goods and make them less competitive with domestic goods। Rafi जो है ए वाला हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। The word limited at the end of company means names mean, उसके बाद हमारे पास है it has limited capital, it has limited shareholder, shareholder has limited liability। All of given option। हमारे पास जो सी वाला जो MCQs है इसका सी वाला आंसर आ जाता है। शेयर होल्डर हैज लिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्टनर हुज डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बट इज नाउ टू द पब्लिक? साइलेंट पार्टनर,
स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, नॉर्मल पार्टनर, तो हमारे पास साइलेंट पार्टनर। ये आपके लिए जरूरी है कि MGT 211 में जो पार्टनर वाला सेशन है जिसमें सब स्लीपिंग पार्टनर, साइलेंट, एक्टिव या जितने भी आपके पास पार्टनर और शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रीड करें। आपको इसके रिलेटेड बहुत से MCQs पूछे जाएंगे। विच मोड ऑफ द बिजनेस इज द फॉर्मेट व्हेन सर्वर बिजनेस पार्टनर undertaking unit are combined to take on the business together for achieving the economic benefits. तो इसमें हमारे पास combination जो है वो right option B है. Which of the following is a example of genetic industries? Sugar mill, poultry farm, textile industry, none of given option. Poultry farm हमारे पास right option आ जाता है. Who they who in invest in joint stock campaigns is, तो इसमें हमारे पास इसका ऑल आ जाता है शेयर होल्डर। डैश मीट इज द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर कंप्लीमेंट ऑफ बिजनेस, तो इसमें एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मंथली मीटिंग, तो नन ऑफ द विन, इसमें वो वाली मीटिंग नहीं है इस ऑप्शन में, तो हमारे पास यही इम्पोर्टेंट MCQs आ जाते हैं। इसके बाद मैं और आपके साथ इम्पोर्टेंट MCQs शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को कलेक्ट कर लें, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दें, ग्रुप में जो है वो शेयर कर दें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दें और खुद भी कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद द डैश ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, 14 मंथ, 15, 16, 18 मंथ, डी वाला हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है आर डॉक्यूमेंट दैट कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी, आगे प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑल ऑफ दिस गिवन ऑप्शन, तो सी वाला हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। डैश इज वन हु हैज इन्वेस्टेड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिजनेस, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीनियर पार्टनर, तो सीनियर पार्टनर हमारे पास MCQ राइट ऑप्शन है। अ मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द डैश डबल टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQs all our books. ये MCQs बहुत important है। Which of the following is the growth rate of GDP adjusted for inflation and change in the value of country currency? GDP per capita rate, real growth rate, real GDP, that is हमारा जो भी real correct answer है वो B है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज गुड आंसर ऑफ दिस MCQs, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश, एनुअल जनरल मीटिंग, मंथली मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमारे पास ए वाला इसका राइट ऑप्शन है, एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कंट्री कंपनी, ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन, इसमें प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आ जाता है। अ पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल दैट इज कैरेक्टराइज बाय हाई लैब ओवर टर्नओवर मे बी द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज गुड आंसर ऑफ दिस MCQs। नेक्स्ट हम आपके साथ और इम्पोर्टेंट, इससे भी इम्पोर्टेंट MCQ शेयर करने लगा हूँ, तो इस वीडियो को स्किप करिए लगाना और इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे पास जो MCQs है वो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द पार्टनरशिप्स एस्पेक्ट, तो और भी पॉइंट थे इसमें जो मिस है, एक ही पॉइंट है जो राइट ऑप्शन है। ईच पार्टनर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ हर एंड शी कंट्रीब्यूट टुगेदर पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारे पास 67 वाले MCQs, इलेक्ट्रॉनिक ऑफ द डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इज ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश, एनुअल जनरल मीटिंग,
Our extraordinary general meeting, none of these is strange meeting. तो इसमें हमारे पास एनुअल जनरल मीटिंग जो हमारे पास राइट ऑप्शन है. द टू कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड, बिजनेस जो कंपोनेंट है वो कौन से हैं जो इंक्लूड है, बिजनेस एंड कॉमर्स, कॉमर्स एंड ट्रेड, बिजनेस एंड ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो बिजनेस एंड कॉमर्स हमारे पास ए वाला राइट ऑप्शन आ जाता है. और डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अ बिजनेस, तो इसमें हमारे पास एक जो ऑप्शन आ जाता है पार्टनरशिप डीड, लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टिकुलर पार्टनरशिप, नन ऑफ दीज. तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन इसका आ जाता है वो पार्टनरशिप डीड है, ए वाला राइट ऑप्शन आ जाता है. डैश इज अ काइंड ऑफ लोन विच विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट, डिविडेंड हमारे पास आ जाता है ए वाला एमसीक्यूज का आंसर, ए या बी या सी या डी, नन ऑफ दीज, या पेड अप कैपिटल. तो पेड अप कैपिटल जो सी वाला हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है डैश कैन एक्सपेंड देयर बिजनेस बाय सेलिंग शेयर्स इन स्टॉक मार्केट, प्राइवेट कंपनी पार्टनर्स ऑफ फिल, तो इस पे स्टॉक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आ जाता है. तो हमारे पास सी वाला इसका राइट ऑप्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आ जाता है. अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन रूल रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी, तो इसमें हमारे पास ऑल ऑफ दीज गिवन ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है. इसमें जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है हमारे पास, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है. ऑल ऑफ दीज नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, इधर मार्क किया हुआ, वहां सी वाला इसका राइट ऑप्शन है. द फॉर्मेशन ऑफ डैश डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन. सोलो पार्टनरशिप जो है वो हमारे पास ए वाला राइट ऑप्शन, कंपनी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड द सर्टिफाइड बाय कमिटी, तो इसमें हमारे पास पब्लिक लिमिट कंपनी हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है. उसके बाद इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, तो इसमें कैपिटल वेल्थ गोड्स बाइंग, तो हमारे पास सी वाला इसका राइट ऑप्शन कैपिटल आ जाता है, मतलब के पैसा, ज्यादा पैसा. इन कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो इसमें बिजनेस सिस्टम इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है. इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है, कॉमर्स हमारे पास इसका सेकंड ऑप्शन आ जाता है. कंपोनेंट कॉमर्स कैन बी डैश ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड एड्स टू ट्रेड, होम ट्रेड, तो सी वाला हमारे पास इसका राइट ऑप्शन, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है. गुड बिजनेस पर्सन मस्ट हैव तो द नॉलेज अबाउट डैश स्किल्स, इसमें हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाते हैं पर्सनल, टेक्निकल, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग. तो पर्सनल तो इसमें नहीं हमारे पास एमसीक्यूज का आंसर हो सकता, लीडरशिप भी नहीं हो सकता, डिसीजन मेकिंग भी नहीं हो सकता. तो बचा क्या है इसमें, टेक्निकल, टेक्निकल हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाता है. दैट सेपरेट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, तो इसमें हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं आ सकता, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स नहीं आ सकता, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट नहीं आ सकता, ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाता है. मेजर ऑफ डैश बाय विच वी कंपेयर डैश हु विच हाउ मच अ सिस्टम कैन प्रोड्यूस विद द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस इट, तो इसमें हमारे पास परचेजिंग नहीं आ सकता, सेलिंग नहीं आ सकता, और कैपिटल नहीं आ सकता, जीडीपी पर कैपिटल हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाता है. मिनिमम मेंबर ऑफ पब्लिक लिमिट कंपनी शुड बी, तो इसमें जो मिनिमम कितने कंपनी मेंबर कितने मिनिमम होते हैं, फाइव होते हैं, फाइव नहीं होते, नाइन होते हैं, नाइन नहीं होते, टेन टेन भी नहीं होते, तो हमारे पास कितने होते हैं ये हमारे पास सवाल है. तो हमारे पास सेवन जो है वो मेंबर हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं, पब्लिक लिमिट कंपनी शुड बी. इसके बाद कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज सेट अप टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिकल द डैश सेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी सोसाइटी,
तो इसमें मिडल, स्टेबल, वेल्थी और पुअर। मिडल भी हमारे पास नहीं इसका आंसर, स्टेबल भी नहीं, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? हमारे पास इसका आंसर पुअर है। ड्यू टू दी स्पेंड एब्सेंस ऑफ डैश द परफॉर्मेंस ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी इज पुअर, वेरी पुअर। तो इसमें हमारे पास इसके एमसीक्यूज के आंसर पूछे गए हैं, इसमें डिसिप्लिन आ जाता है, एक्सप्लेनेशन आ जाता है, उसके बाद कैपिटल, प्रॉफिट। तो इसमें जो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है प्रॉफिट, सी वाला हमारे पास राइट ऑप्शन है। डैश आर दी ऑब्जेक्टिव डैश डेट अ बिजनेस होप्स एंड प्लान टू अचीव। इसमें हमारे पास इसका फिलिंग दी ब्लैंक है, इसमें इसका आंसर हमने मार्क करना है, प्लान नहीं हो सकता, मिशन हमारे पास नहीं हो सकता। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास इसका आंसर गुड्स है। उसके बाद हमारे पास इन प्राइवेट लिमिट कंपनी मिनिमम मेंबर कैन बी टू एंड मैक्सिमम मेंबर शुड बी एक्स। तो हमारे पास जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं वो टू होते हैं, मिनिमम टू होते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो प्राइवेट लिमिट कंपनी में हमारे पास 50 हो सकते हैं, 20, 10 और 40। तो ये जब आप प्राइवेट और पब्लिक लिमिट कंपनी वाला टॉपिक्स रीड करेंगे तो उसमें आपके पास क्लियरली लिखा होगा कि 50 जो हमारे पास मैक्सिमम होते हैं फॉर मेंबर्स होते हैं, वो वर्कर हमारे पास होते हैं। आप पब्लिक कंपनी मस्ट हैव डैश बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स 2, 3, 5, 6। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाता है वो 3 आ जाता है। उसके बाद कंपनी मस्ट होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ ईयर। एक साल में कितनी बार एनुअल मीटिंग होती है? तो वंस, ट्विंस, थ्रीज, फोर्स। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इसमें हमने बताना है राइट ऑप्शन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है वंस। साल में एक बार तो एनुअल मीटिंग होती है। ये जब आप एनुअल मीटिंग वाला शेयर होल्डर्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें पार्टनरशिप के बारे में या जो होते हैं पार्टनर्स के बारे में पढ़ाया गया, उधर ये टॉपिक में जरूर बताया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डैश स्किल्स आर नेसेसरी फॉर कंप्लीट इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट। टेक्निकल स्किल्स हमारे पास इसका राइट ऑप्शन नहीं है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हमारे पास आंसर नहीं है। ह्यूमन रिलेशन स्किल्स हमारे पास आंसर नहीं है इसका। इसका आंसर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या आंसर है इसका? ग्लोबल मैनेजमेंट स्किल्स हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। स्किल यूज इन अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग अलोंग विद पीपल इज डैश। तो इसमें हमारे पास इसका आंसर आ जाता है डिसीजन मेकिंग स्किल रॉन्ग, टेक्निकल स्किल हमारे पास रॉन्ग, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स हमारे पास राइट ऑप्शन है। डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, प्राइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्व्स। तो हमारे पास इसमें ऑपरेशन मैनेजर रॉन्ग ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन मैनेजर रॉन्ग ऑप्शन है, फाइनेंशियल मैनेजर हमारे पास रॉन्ग एमसीक्यूज है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट राइट ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें हमारे पास जो बी वाला इसका राइट ऑप्शन है, इसके बाद मैं और इम्पोर्टेंट, इससे भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दें। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाता है वो हमारे पास है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज सेट अप टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिकल डैश सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इसमें ये पहले भी हमारे पास एमसीक्यूज आ चुका है, तो इसका आंसर जो पुअर हमारे पास आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसमें ट्रस्ट ये रॉन्ग ऑप्शन है, एनजीओज ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी है या डी?
तो इसमें जो आया है हमारा आंसर डी है पार्टनरशिप्स। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डैश इज वेरी लेंथी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी टेक्निकल जॉब। तो जो इसमें हमारे पास आ जाता है सोशल, और ये हमारे पास स्टॉक, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या पार्टनरशिप। तो इसके इन दोनों में से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये बहुत बार एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। अगर मैंने किसी जगह इसका आंसर ऑल ऑफ दीज बताया हो तो उसे आपने चेंज कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्राइवेट लिमिट कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, आर्टिकल ऑफ कंपनी। तो इसमें हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी राइट ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर कॉरपोरेटिव सोसाइटी इज फॉर्मेड बाय द पीपल डैश फॉर सेल्फ हेल्प थ्रू मल्टी मेटुअल म्यूचुअल हेल्प। तो इसमें हमारे पास आ जाता है राइट ऑप्शन जो कि ऑफ लिमिट मीन्स आ जाता हैविंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, रनिंग बिजनेस ऑनली, तो हैविंग गवर्नमेंट जॉब्स ऑनली, ऑफ लिमिटेड मीन्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारे पास ट्रस्ट, एनजीओ, पार्टनरशिप्स, पार्टनरशिप्स हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंस बिजनेस एक्सपोर्ट। इसमें यूज एस्टेब्लिश गुडविल, प्री सॉल्व कस्टमर बेस, इंडिपेंडेंसी ऑफ बिजनेस, क्लियर एंड वेल डिफाइंड प्रोसेस। तो सी वाला हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाता है द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट जनरली हैज द लार्जेस्ट सेल वॉल्यूम इज द कॉरपोरेशन, फाइनेंस, पार्टनरशिप, सोलो प्री ओ शिप। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कॉरपोरेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। तो ये भी हमारे पास जो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पोल्ट्री फार्म्स, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। टू आर मोर ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म आर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मर्ज। ये कोई चीज, ये देखें, एक से दो चीजें, टू और टू से ज्यादा चीजें हों तो उसे हम कंबाइन करें, उसे मर्ज करना कहते हैं। ठीक है, सोलो हमारे पास प्रेपोसी ऑल इंजॉय। तो इसमें हमारे पास लिमिट लाइबिलिटी 100% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमारे पास बी वाला इसका राइट ऑप्शन है। इन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस देयर इज इजली दिस सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन हमारे पास इसमें आ जाता है, फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इसमें हमारे पास इसका आंसर क्या है, प्रमोशन स्टेज, कैपिटल साइड, सब्सक्राइब स्टेज। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन प्रमोशन स्टेज आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू ट्रेंड इन द विच ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड टुगेदर। तो ये भी हमारे पास रिपीट है, तो मर्ज इसका आंसर आ जाता है। बिजनेस बेनिफिट्स द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम लार्ज नंबर ऑफ सर्विस, ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग डिवाइडेड। तो डिवाइडेड हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। डैश जनरली हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसमें हमारे पास जो एमसीक्यूज आ जाते हैं वो है, फर्स्ट पे है आर शेयर होल्डर इन अ पब्लिक कंपनी, या हमारे पास आ जाता है आर शेयर होल्डर इन प्राइवेट कंपनी, आर डायरेक्टर हैविंग शेयर कैपिटल, द ओनर ऑफ शोर सोलो। तो इसमें हमारे पास डी वाला राइट ऑप्शन आ जाता है। डैश डिस्क्राइब द गवर्नमेंट पेमेंट्स गिव टू सर्टेन इंडस्ट्री टू हेल्प ऑफसेट सम ऑफ, तो सबसाइड टैक्सेस। तो सब साइड हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। द मार्केट सर्वे इन द इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टेल यू, इसमें हमारे पास
है, हाउ मेनी व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर शॉपिंग एट अ स्टोर, व्हाट द कस्टमर विल बाय, हाउ मच द कस्टमर विल पे फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये तीनों ही ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कैंपेन्स ऑर्डिनेंस कम केम इनटू फोर्स। तो इसमें हमारे पास जो इसका आंसर आ जाते हैं वो है जनवरी 1981, जनवरी 1984, जनवरी 1985, जनवरी 1983। इसमें जो राइट ऑप्शन वो सी आ जाता है, जनवरी 1985। उसके बाद हु साइन द डॉक्यूमेंट ऑफ बिहाफ ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, वन ऑफ द डायरेक्टर्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस कॉमन सेल इन यूज फॉर इट सिग्नेचर जनरल मैनेजर। तो इसमें हमारे पास हमने बताना है कि फर्स्ट वाला एमसीक्यूज जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है इस एमसीक्यूज की, ये ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट वाली जो जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड हमारे पास जो है राइट ऑप्शन आ जाती है, कॉमन सेल इज यूज फॉर इट्स सिग्नेचर। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नोटिस कॉलिंग द एनुअल जर्नल मीटिंग मस्ट बी गिवन टू ऑल इट मेंबर एट लीस्ट डैश डे बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। मीटिंग से कितने दिन, जर्नल मीटिंग जब होती है उससे कितने दिन पहले जो है वो बता दिया जाता है मेंबर्स को कि इस डेट को आपकी मीटिंग है, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाता है 21 days, 30 days, 45 days या 51 days। तो 30 days तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक पूरा मंथ हो जाता है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। और हमारे पास आ जाता है 45 days, तो ये वन तकरीबन डेढ़ माह हो जाता है, ये भी बहुत ज्यादा डेज है। और 51, तो ये डेढ़ माह से भी ज्यादा, मतलब 2 months पहले, इतनी देर पहले तो नहीं बता सकते। तो इसलिए 21 जो है डेज, ये हमारे पास एक्यूरेट राइट ऑप्शन आ जाता है। द लॉ रिलेटिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज बीन लेड इन द कैंपेन्स ऑर्डिनेंस 1984 व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन डैश इन पाकिस्तान। तो इस जगह तक आपने वीडियो देखी है, अगर ये फाइल आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिसंबर 1984, जनवरी 1985, अगस्त 1985। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन जो है जनवरी 1985 राइट ऑप्शन आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, आर जर्नल पार्टनरशिप या आर कॉर्पोरेशन। तो हमारे पास बी वाला राइट ऑप्शन आ जाता है, द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम मींस। तो इसमें हमारे पास इट हैज लिमिटेड कैपिटल, इट हैज लिमिटेड शेयर होल्डर हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें हमने यही बताना है कि राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है। फर्स्ट वाला जो है इट हैज लिमिटेड कैपिटल, तो हमारे पास थोड़ा पैसा, ये नहीं राइट ऑप्शन। लिमिटेड शेयर होल्डर हमारे पास लिमिटेड हो, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। शेयर होल्डर हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, ये हमारे पास सी राइट ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, द लॉ रिलेटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज बीन लेड इन कैंपेन्स ऑर्डिनेंस 1984 व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन डैश इनटू पाकिस्तान। तो इसमें जनवरी 1985 हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। जो एमसीक्यूज मैं आपको बता दूं कि रिपीट होंगे, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, इन्हें आपने अच्छे से रीड करना है। और इससे एक दो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने लगा, तो और मैं जो एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ उनमें ये आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वीकेंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हाई एम्प्लॉयज टर्नओवर। जो वीकेंड के बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो राइट ऑप्शन आ जाता है, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। द लॉ रिलेटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैज, तो लीड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस ना 18
1984, 1980, 1932, 1984 हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बिजनेस, तो इसमें कंडक्शन ऑफ हाउसेस ऑफ पर्सनल यूज राइट ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो खत्म हो चुके हैं। हमारे पास इतने ही एमसीक्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और इनको ही आप जब रिपीट करेंगे या इस फाइल से दोबारा रेडी करेंगे मेरी वीडियो को देखने के बाद, तो आपको बहुत सा फायदा होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।